नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SPN9 न्यूज में। स्वागत अपर्णा से। इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं, अपर्णा और प्रतीक हमारी पीसी पर मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज अपर्णा और प्रतीक पर बात क्यों कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज प्रतीक यादव को क्यों राजनीति में कदम बढ़ाने पड़ रहे हैं, क्योंकि प्रतीक यादव को आपने हमेशा से ही देखा होगा कि राजनीति से बहुत दूर, यानी कि कोसों दूर वो आपको दिखे हैं। लेकिन आज वक्त निकाय चुनाव का है, लेकिन आज वक्त 2024 का लोकसभा चुनाव है। तो इसी को लेकर वही प्रतीक यादव जो अखिलेश के साथ नजर आए हैं, जिन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अखिलेश भैया का जो निर्णय होगा वही अंतिम निर्णय होगा। यहाँ पर पूरी कोशिश की गई कि अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में वापसी करें, लेकिन कुछ मौका देखते ही आपने देखा कि यहाँ पर डिंपल को आगे रखा गया, चाचा शिवपाल ने भी मनाने की कोशिश की, खूब इशारे किए गए। इसके बावजूद भी जो है अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में आने का नाम नहीं ले रही हैं। वहीं जो प्रतीक यादव ने बयान दिया था कि भैया जैसा कहेंगे, जैसा भैया चाहेंगे वैसा ही होगा, अब प्रतीक यादव, जी हाँ, प्रतीक यादव पर कयास लगाया जा रहा है कि प्रतीक यादव अब अपर्णा की वापसी करेंगे। जी हाँ, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है कि जैसे ही निकाय चुनाव का जो केस इलाहाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और ये कहा जा रहा है कि फरवरी मार्च तक निकाय चुनाव करवा लिए जाएंगे, महज 1 से 2 महीने का समय है। और इस दो महीने के समय में कहा जा रहा है कि अपर्णा यादव, जी हाँ, अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में प्रवेश करेंगी और यहाँ पर बीजेपी पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर प्रतीक यादव को सौंपी गई है। प्रतीक यादव पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपर्णा यादव अब समाजवादी पार्टी में वापसी करें, और ये लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रतीक यादव पूरी कोशिश में लगे हैं। लेकिन बड़ी बात ये है कि आज अपर्णा की जरूरत समाजवादी पार्टी को क्यों है? क्या मुलायम सिंह यादव का वो अंतिम समय की बात याद है जब उन्होंने कहा था कि पार्टी को संभाल लो? क्या यहाँ पर मुलायम सिंह यादव ने जो परिवार को एक करने की बात कही थी, इसलिए अखिलेश यादव पूरी कोशिश कर रहे हैं? लेकिन ये वक्त तय करेगा कि प्रतीक यादव अपर्णा की वापसी करवाते हैं कि नहीं। क्या प्रतीक यादव को जो जिम्मेदारी सौंपी है वो पूरी होती है या नहीं? अब आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या आपको लगता है कि अपर्णा यादव, जिनको बीजेपी में कोई जो है पद नहीं मिल रहा है, कोई औहदा नहीं मिल रहा है, क्या अपर्णा यादव प्रतीक यादव के कहने से बीजेपी में आएंगी? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज़।